चाहिए कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, दिल्ली की जनता की, कार्यकर्ता बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष भांजो, तुम्हारी भी जय रहे। बिना भांजों के मामा का काम कैसे चलेगा। हमारे यशस्वी अध्यक्ष, आज पता चला, वो इतिहास के भी विद्यार्थी हैं, जिनके नेतृत्व में आप सबके परिश्रम से सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में जीती है। आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता जिनका सारा देश सम्मान करता है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सदस्यता के काम में मेरे सहयोगी आदरणीय दुष्यंत जी, यहाँ के प्रभारी वरिष्ठ नेता आदरणीय श्याम जाजू जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय गोयल जी, तरुण चुग जी, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, सदस्यता के हमारे प्रभारी भाई कुलदीप जी, सतीश उपाध्याय जी, माननीय सभी सांसदगण, सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता का और दिल्ली के कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। 56% से ज्यादा वोट देके सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता के नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मित्रों, इस बार महाविजय हुई है भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक पंडितों के सारे गणित गड़बड़ा गए। दिल्ली में तो विपक्ष बिखर गया था, लेकिन जहां इकट्ठा हुआ वहां भी कोई परिणाम नहीं निकले। अब लोग कहते थे उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बुआ और बबुआ इकट्ठे हो गए। कोई कहता था 20 मिलेगी भाजपा को, कोई कहता था 25 मिलेगी भाजपा को, लेकिन चुनाव परिणाम आए। और ये कहा कि तुमने वोट ट्रांसफर नहीं करवाए सपा वालों ने बसपा वालों को। आदरणीय बुआ जी, अरे सपा वालों के पास वोट बचे नहीं, वोट तो मोदी जी के पीछे चले गए, उनकी खुद की पत्नी हार गई तो तुम्हारे वोट कहां से ट्रांसफर करवाती। पूरे देश के चुनाव परिणाम देख लीजिए। 3-4 महीने पहले जब हम थोड़े पीछे रह गए थे, अब मध्यप्रदेश में भी वोट ज्यादा मिले लेकिन सीट 3-4 कम हो गई। मैं तत्काल इस्तीफा देके जनता के बीच निकला और मैंने पूछा कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो लोगों ने कहा मामा गलती हो गई, 2 लाख की कर्जा माफी के चक्कर में आ गए थे, लोकसभा में मैं ब्याज के बदला ले लेंगे, चिंता मत करो। 29 में से 28 सीटें हम जीते और एक बाल बाल रह गई कमलनाथ वाली। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूरे देश के चुनाव परिणाम देखिए। सारा देश दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा हो गया, सफलता के एक नया इतिहास रचा। अब ये दो नेता हमारे सचमुच में भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली है। जनसंघ का गठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। शांता कुमार जी ने कल कहा कि 66 साल पहले डॉक्टर मुखर्जी ने मुझे भारतीय जनसंघ का सदस्य बनाया था। हमें ऐसी जोड़ियां मिली, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
उसके बाद अटल जी, अडवाणी जी, और अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। ये बड़ी चमत्कारिक जोड़ी है। मोदी जी आज वैश्विक नेता है। मैं अभी गांव में गया मध्य प्रदेश में, तो बुजुर्ग मिले कुछ, एक बुजुर्ग का भैया मजा आ गया। मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले अपना प्रधानमंत्री तो देश का सब दुनिया का सबसे बड़ा नेता है। मैंने कहा वो तो है। बोले हाँ, बोले जब वो गए दूसरे देश में तो वहां का राष्ट्रपति छाता लगा के संग संग चल रहा था, हमारा सीना गर्व से फूल गया। ये एक आम भारतीय नागरिक की अभिव्यक्ति है। मेरा प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाए तो वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति छाता खोल के साथ साथ चलने लगे। मान केवल नरेंद्र मोदी का नहीं बढ़ता, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता का बढ़ता है। अद्भुत नेता सचमुच में। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, एक आंदोलन है। और अमित भाई भी गजब के आदमी है। कोई अगर किसी से कहे कि रेत में से तेल निकाल दोगे तो कहेगा नहीं, लेकिन अमित जी से पूछो तो कहां निकाल दूंगा मैं, बताओ कौन कहता था? बताओ कौन कहता था असम में सरकार बनाएगी भाजपा? बताइए कौन ने सोचा था त्रिपुरा में सीपीएम उखाड़ देंगे? बताओ कौन कहता था कि बंगाल में ममता जी के ऐसे दिन आ जाएंगे कि ममता गुहार लगाएगी, कांग्रेसियों आ जाओ, सीपीएम वालों आ जाओ, मारे जाएंगे, भाजपा खा जाएगी? नरेंद्र मोदी जी की असाधारण लोकप्रियता, अमित भाई और उनकी टीम की अचूक रणनीति, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त परिश्रम, इसने ये महाविजय दिलाई है। विपक्षी समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमने सोचा इस जीत के बाद प्रधानमंत्री जी, अमित भाई संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन पहली बैठक हुई, बोले नहीं भाजपा का सर्वोच्च आना भी बाकी है। अरे हमका 353 ले ली और क्या करोगे? बोले नहीं, सर्वोच्च आना भी बाकी है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बनी वहां सरकार बनाना है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कश्मीर घाटी, श्रीनगर में भी भाजपा के झंडा को फहराना है। सर्वोच्च आना बाकी है। उद्योग का फिर से काम शुरू करो। अब बाकी पार्टियों, बाकी पार्टियां संभल ही नहीं पा रही है। कांग्रेस तो अजब गजब हो गई, अध्यक्ष ही का पता नहीं है। कल हम हरियाणा में थे, तभी खबर आ गई कि कर्नाटक में कई कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देकर निकल लिए। पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है? मैंने कहा भैया तुम बताओ, कांग्रेस पार्टी ऐसा जहाज है जो डूब रहा है, और जब जहाज डूबता है तो कैप्टन अंत तक डटा रहता है जहाज बचाने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जहाज ऐसा कि अध्यक्ष ने सबसे पहले ही छलांग लगा दी। मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं बनूंगा। वो कहते नहीं तुम ही बनो। बोले नहीं बनूंगा। अब जब अध्यक्ष छोड़ के भगेगा, और नाम अजब गर्भ आ रहे हैं, कह रहे हैं बोरा जी को बना दो। बोरा जी 100 साल के होने वाले हैं, वो 110 साल जिए। बोरा जी को बना दो, सिंधे जी को बना दो, अशोक गहलोत जिनका बेटा खुद हार गया, जी जान लगाया, उनको बना दो। अब जब कांग्रेस का अध्यक्ष कूद के भागेगा और ऐसे ऐसे अध्यक्षों का नाम आएगा, तो मीडिया के मित्रों हम क्या करें? कांग्रेस के विधायक तो भागेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी को काय को दोष देते हैं? ये पार्टी ऐसी दुर्गति को प्राप्त हो रही है, और अपने पापों से कांग्रेस अपने पापों से मर रही है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है देश बनाओ, आगे आओ, देश बनाओ। भारतीय जनता पार्टी में इसलिए कि देश बनाओ। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के पुरोधा है। कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जितने एक आह्वान किया, गैस की सब्सिडी छोड़ो, लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने अपने हाथ में झाड़ू उठाई तो सफाई के लिए पूरा देश खड़ा हो गया? और आज कह दिया प्रधानमंत्री ने पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ। देश की जनता पेड़ लगाने निकल पड़ी। केवल शासन नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी, देश बना रहे,
तुमने देश मिटाया था कांग्रेसियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनके जमाने से देश को मिटाने की शुरुआत हुई। आज कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा अगर पाक ऑक्युपाइड है तो ये पाप अगर किसी ने किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगर जम्मू कश्मीर का मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होता तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं बचता, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। क्या पंडित नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे और चीन ने हमला कर दिया, हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हत्यारी, यह अपराध भी हुआ तो कांग्रेस से हुआ है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी, लोकतंत्र का गला आपने घोटा, लोकतंत्र को नष्ट करने का पाप और अपराध किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी, सहवानों जैसे प्रकरण में जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आपने संविधान में संशोधन करके एक मुस्लिम महिला के अधिकार को कुचलने का अपराध और पाप किया था। और इसके बाद माँ और बेटे दोनों ने, श्रीमती सोनिया जी और राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री तो बनाया लेकिन पंजरे का पिंछी बना के छोड़ दिया, कोई स्वतंत्रता ही नहीं थी। ये पाप करते रहे, घोटाले दर घोटाले करते रहे और डाक साहब बैठे बैठे कुसमुसाते रहे। कौन ने ये अपराध किए थे? कांग्रेस पार्टी ने। और जब कांग्रेस मरेगी तो अपने पापों के कारण मरेगी, कोई कांग्रेस को नहीं बचा सकता, कोई कांग्रेस को नहीं बचा सकता। इसलिए कांग्रेस दुर्गति को प्राप्त हो रही है, देश मिटाने वाले ये लोग, बाकी पार्टियों को भी बुरे हाल है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। कल हरियाणा हम गुड़गांव गए, वहां भगदड़ मची है, कांग्रेस की हाल और चौटाला साहब की पार्टी के हाल ये हो गए कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, समेटते नहीं बन रहा। बाकी पार्टियां हाल बेहाल है, देश बनाने का काम अगर कोई करेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई नड्डा जी के नेतृत्व में। हम सब कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। और इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं जनता जनार्दन को भी अपील और आह्वान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व प्रारंभ किया है, महाविजय दिल्ली में भी मिली है। लेकिन अभी मनोज जी मुझे बता रहे थे 16,000 से ज्यादा बूथ है, 12,000 से ज्यादा, 13,000 उनमें लगभग 12,000 हम जीते, 12,000 से ज्यादा हम जीते हैं। लेकिन थोड़े बहुत जो बच गए हैं, जहां पीछे रह गए, वहां भी हमको ऐसी पकड़ बनाना है कि कोई बूथ विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ना हारे, कोई बूथ ना हारे। और इसलिए आपने ग्रेडेश बूथों का ग्रेडेशन कर लिया होगा, ए बूथ, बी बूथ, सी बूथ, जिनमें नहीं जीते वहां भी सदस्यता करके विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का झंडा गाड़ेंगे। सर्वस्पर्शी भाजपा और सर्वव्यापी भाजपा, आज कुलदीप जी को, मनोज जी, पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आपने सदस्य जो बनाए, हाथ ठेला वाला आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए, दिव्यांग भाई बहन भाई हमारा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाए, प्रख्यात कलाकार भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी है, रिटायर्ड अफसर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, गरीब से लेके कलाकार से लेके समाज के हर वर्ग का यहाँ प्रतिनिधित्व हुआ है। सर्वस्पर्शी भाजपा मतलब किसी को नहीं छोड़ेंगे, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला, हाथ ठेला धकाने वाला, हम माली करने वाला, साइकिल रिक्शा चलाने वाला, फुटपाथ पर फल सब्जी बेचने वाला, गरीब से गरीब आदमी भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की लाभार्थी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनेंगे। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, बजट में जो किया है बताने की जरूरत नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनेंगे। डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, सीए, कोई हो, रिटायर्ड फौजी हो, कलाकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, सबकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली केवल दिल्ली नहीं है मनोज जी, दिल्ली पूरा देश है। और दिल्ली जिस दिशा में चलता है सारा देश उस दिशा में चल पड़ता है। सदस्य अभियान को ऐसा चलाइए कि समाज का कोई वर्ग और तबका ना छूट पाए। और मुझे विश्वास है ये जो टीम यहां बैठी है और नीचे जो कार्यकर्ता भाई और बहन बैठे हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप ऐसा होगा जिसको देख के देश के बाकी राज्य उसका अनुसरण करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और सर्वव्यापी का मतलब
कोई पोलिंग बूथ नहीं छोड़ेंगे, हर एक बूथ पे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख बूथ है, 2.25 लाख हमारे शक्ति केंद्र है, 2.25 लाख सदस्यता विस्तारक निकालने का फैसला किया है। सदस्यता विस्तारक मतलब 7 दिन जो सदस्यता के काम के लिए एक शक्ति केंद्र पर देंगे, और एक शक्ति केंद्र का मतलब 1 दिन में 1 बूथ पर जाएंगे। तो दिल्ली में हमारे कितने शक्ति केंद्र है? शक्ति केंद्र 2700। तो दिल्ली में 2700 कार्यकर्ता 7 दिन देंगे। अरे आपसे पूछ रहा हूं, देंगे क्या? जो देंगे हाथ उठाए, कौन कौन देंगे? तो 2700 तो यही हो गए भाई, ऊपर बैठे नीचे बैठे सांसदों विधायकों सबको देना है, क्योंकि शनिवार इतवार तो माननीय सांसद गणों को भी मिलता है। 7 दिन, 1 दिन 1 बूथ पर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाएंगे, मिस कॉल करवाएंगे, लेकिन मिस कॉल में कई मिस हो जाते हैं, इसलिए फॉर्म भी भरवाएंगे। प्रो फॉर्म हमने तैयार करके रखा है ताकि उसमें नाम पता पिन कोड सब आ जाए, हमारे सदस्यता का रजिस्टर भी बन जाए। बड़े हृदय से सबको सदस्य बनाइए, कोई बूथ ना छूटे, और दिल्ली में ऐसे अभिनव प्रयास कीजिए। अब यहाँ रोड शो मतलब ग्रुप में निकल के सदस्य बना सकते हैं, स्टॉल लगा के सदस्य बना सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर, माल बाजारों में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडियों में जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, वहां भी हम अपने स्टॉल लगा के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को अभिनव तरीके से चला सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है केवल 20% नहीं, उससे कई गुना ज्यादा सदस्य दिल्ली भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। बनाएगी ना, मैं तो कह रहा हूं आपको करना, बनाएंगे तो सचमुच में एक नया इतिहास रचेंगे देश बनाने का। और इसलिए मैं आप सबसे यही अपील करते हुए कि सबको बनाना, कोई को छोड़ना मत, बड़ा मन रखना, और नहीं तो ये बन जाए ये ना बने, ये काम ना हो, सबको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने के लिए आप परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कीजिए। अंत में मैं फिर दोहरा रहा हूं, इतिहास के विद्यार्थी मनोज तिवारी जी हैं, सावरकर जी ने एक किताब लिखी थी भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम अध्याय, मैं आज कह रहा हूं भारतीय इतिहास का 7वां स्वर्णिम अध्याय जो सबसे चमत्कारी और चमकदार होगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज है। नए भारत का उदय हो रहा है मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का अभियान है, केवल सरकार बनाने का नहीं, देश का पुनर्निर्माण करने का, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक ऐसा भारत कि जिससे नागरिक दुनिया के किसी कोने में जाए तो दुनिया प्रणाम करके कहे ये भारतीय है, ये भारत वाले हैं। भारत बढ़ रहा है, अब कोई रोक नहीं सकता, भारत को बनाने और आगे बढ़ाने में हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के करें। हम सौभाग्यशाली किस युग में पैदा हुए हैं जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ काम करने का हमें मौका मिल रहा है। आप सबको इस अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए, प्रदेश की इकाई को और सदस्यता के अच्छे अभियान को प्रारंभ करने के लिए पूरी टीम को बधाई देते हुए और आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवराज जी। शिवराज जी, हमने जो आपकी और केंद्र की कल्पना है कि सभी सांसद, सभी विधायक, सभी